सोलन में कोरोना को लेकर कर्फ्यू चल रहा है और इस कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए सोलन पुलिस भी लगातार दिन रात एक कर रही है। सोलन की पुलिस लोगों का मार्गदर्शन करती भी नजर आ रही है। समाज के प्रति उनके क्या दायित्व हैं और कहां जरूरतमंदों तक राशन कैसे पहुंचा जाए, इस कार्य में भी पुलिस लगी हुई है। यही नहीं, सोलन पुलिस संकट के इस समय में जरूरी सामान लेने आए शहरवासियों को बता रही है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि वायरस का संक्रमण ना फैले। सोलन शहर के हर कोने में पुलिस अपनी सेवाएं दे रही है और नियमों की पालना ना करने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। श्यामा सभा के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मदद के लिए अब अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। सभा ने बताया कि पुलिस कर्मियों को पानी, जूस, ग्लव्स, मास्क व सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस हर आने जाने वाले व्यक्ति से बात कर रही है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है, इसलिए उनमें भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उनमें संक्रमण ना हो और वे सुरक्षित रहें और वायरस से उनका बचाव हो, इसके लिए सभा द्वारा उन्हें सामान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोटला नाला बस स्टैंड, डीसी ऑफिस, बाईपास चंबा घाट, जहां जहां पुलिसकर्मी तैनात हैं वहां उन्हें सामान भी दिए जा रहे हैं। हम जो ये सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, जूस, पानी जो बांट रहे हैं पुलिस प्रशासन को, पुलिस के कर्मी जो सारा दिन रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, और जैसे इनको कोई भी चीज़ होती है ये इमीडिएट पहुंच जाते हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा जरूरत इन्हीं लोगों को पड़ती है इन चीज़ों की। तो इसलिए हम श्याम परिवार की तरफ से ये सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क, पानी और जूस बांट रहे हैं। यहाँ डीसी ऑफिस चौक पर बांट रहे हैं और बस स्टैंड बांटेंगे, चंबा घाट बांटेंगे, कोटला नाला, जहाँ भी पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं वहाँ पे हम जाकर बांटेंगे। एक तो जो हमारे जो सेवारत कर्मी हैं जिनको सैनिटाइज़र की इस वक्त ज़रूरत है, और जो पुलिसकर्मी हैं हमारे और जो भी सेवारत जहाँ पर इस वक्त मार्केट में हैं, जो हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए ये ग्लव्स, पानी की बोतल, जूस, सैनिटाइज़र और मास्क, ये हमने श्याम परिवार की तरफ से आज ते हैं। और इनमें जो भी हमारे पास पूरे सोलन के अंदर जिस तरह भी जगह जगह, जैसे अभी डीसी ऑफिस पे हैं हम, उसके बाद हम चंबा घाट जाएंगे, पुराने बस स्टैंड जाएंगे, पुराने बस स्टैंड नीचे डीसी ऑफिस पे है, कोटला नाला है, कोटला नाला के अलावा बाईपास है, ये सारे में हम जो भी हमारे से सेवा हो पाएगी उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सेवारत हमारे कर्मी हैं इनको हम जितना हो सके वो प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे सैनिटाइजर है और दूसरी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, आप बाजार से ले रहे होंगे, हाँ जी, काफ़ी खर्चा भी आ रहा होगा, क्या वाकई रेट में बढ़ोतरी हुई है आपको लगता है? रेट में तो थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन फिर भी जो हमारी संस्था ने ये कदम उठाया है अपनी तरफ से सोचते हुए कि हम ये सबको ये मास्क और ये प्रोवाइड कराए जा सके, मास्क है, सैनिटाइज़र है, और ये अभी खरीद रहे हैं और ख़रीद करके जो भी हमारे से हो पाएगा हम सारा और आगे भी करते रहेंगे अभी जितना भी हमारे से हो पाएगा।